धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिसका कि हर व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं उसका पाला पड़ता है। तो जहां धर्म की बात आती है, वो धर्म जो है बाकी सारी चीजों को ओवरलुक कर देता है और कहीं ना कहीं आपको ये कैपेसिटी देता है कि आप बहुत सी चीजों को लाइफ में इजीली निपटा पाए। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं आज तक पर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होलिका की रात्रि महारात्रि में से आती है, जैसे कि शिवरात्रि आती है, होलिका की रात्रि आती है, काल रात्रि यानी कि दीपावली आती है और जन्माष्टमी की रात्रि आती है। चार रात बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, चाहे वो जप मंत्र से हो, कार्य से हो, मेहनत से हो। क्योंकि कोई भी तरीके की पूजा करने में भी डिसिप्लिन लगता है, कोई भी तरीके की प्रार्थना करने में भी बहुत मेहनत लगती है। ये कोई आसान काम नहीं है और ये आपकी एनर्जी को एलिवेट करते हैं। हम सब जो शक्ति जो हमारी बॉडी में है, जो हमारे ऑरा में है, जो हमारी आत्मा में है, उसी शक्ति का हम सब एक सम टोटल है। तो उन शक्तियों से हम अपने आप को कैसे और जागृत करें, कैसे और एलिवेट करें ताकि हम एक दूसरे मुकाम पर पहुंचे, हम सबकी एक चेष्टा होनी चाहिए, ये हम सबका एक प्रयास होना चाहिए। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात कर लेते हैं आज एक ऐसे उपाय की जो कि होलिका दहन के समय करा जाए, होलिका की रात्रि पर करा जाए, तो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति लेकर आएगा। सबसे पहले एक काम करें आप होलिका का जो मुहूर्त होता है उस दिन शुभ मुहूर्त, क्योंकि देखिए इस बार 25 मार्च को जो ढोल पूर्णिमा है उस समय चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण चाहे कहीं भी हो लेकिन इसका असर तो सभी ग्रहों पर है, इसका असर तो सभी राशियों पर है, कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं है। ग्रहण में की गई पूजा जो है वो आपको लाखों गुना फल देती है, यानी कि आवृत्ति, लाख आवृत्ति का फल, लाख बार रेपिटेशन का फल किसी भी पाठ का एक पाठ से मिलता है ग्रहण के दौरान। तो इस समय आप करें श्री सूक्त का पाठ, जिन लोगों को दिक्कत जा रही है, और 16 ऋचाएं हैं श्री सूक्त की, 16 ऋचाओं का 16 बार पाठ करें। ये एक उपाय होता है खासकर उन लोगों के लिए जिनको धन की बहुत प्रॉब्लम जा रही है, बिजनेस स्लो चल रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक छोटा सा हवन कुंड, नहीं तो मिट्टी का जो बड़ा दिया होता है पात्र, पहले से प्रिपेयर कर लें और उसमें आप रखें एक उपला, उपला यानी कि वो गाय के गोबर का कंडा, और उस पर आप घी और चीनी से हर श्लोक के बाद, 16 ऋचाओं का जो एक एक श्लोक है, हर एक ऋचा के बाद आप उससे आहुति दें ग्रहण के उपरांत। फिर इसका आप देवी को प्रणाम करें और आप देखेंगे कि शनि शनि आपके जीवन की आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी और आपके जीवन में तरक्कियां आती जाएंगी। ऐसे ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी, केवल एस्ट्रो तक पर। लेती हूँ आपसे विदा, नमस्कार, आपका दिन बेहद शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।